लेकिन इसमें कुछ नई क्लियरिटी और नए जोश के साथ हम कहाँ पे हम सेल करें उसके लिए भी हम सारा का सारा आपको मार्केटिंग का नॉलेज भी देते हैं। इस मशीन को कोई भी चला सकता है, एक बच्चा भी चला सकता है, एक गार्जियन भी चला सकते हैं, जिनकी एज या महिलाएं भी चला सकती है, जिनकी एज ज्यादा भी हो गई है वो भी चला सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आपको अपने कंपनी ASB इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम आपको कुछ ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं जो बार बार बता तो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नई क्लियरिटी और नए जोश के साथ हम आज एक बार फिर से इसको शुरू करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज किस मशीन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास मशीनें तो बहुत सारी हैं जिसको हम कितनी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, और आज भी हम बताने जा रहे हैं। जस्ट लाइक हमारे पास जो मशीनें हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं, डिटर्जेंट केक की मशीन है, अगरबत्ती की मशीन है, पेपर प्लेट की मशीन है, आटा चक्की की मशीन है, बट जो आज हम बताने जा रहे हैं वो हर घर में ज़रूरत वाली मशीन है। यानी कि इसको अगर हम लेकर चलें तो एजुकेशन पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, इस मशीन के बने हुए प्रोडक्ट का आपका यूज होगा ही होगा। जस्ट लाइक हम बात कर रहे हैं आपको नोटबुक की, यानी कि जैसा आप ये देख रहे हैं, ये नोटबुक हो, या इस तरह के आपके नोट्स बनाने के लिए कोई भी चीज़ें हो, या आपके घर में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको उनकी कॉपियां हो या बुक्स हो, या ऑफिस में यूज होने वाले पैड्स हो, या बिल्स हो, या किसी भी तरीके का कोई भी आइटम्स अगर पेपर का बनाना हो, तो हमें इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उस मशीन का नाम है आपका नोटबुक मेकिंग मशीन, कॉपी मेकिंग मशीन, खाता मेकिंग मशीन, फाइल्स मेकिंग मशीन, यानी इस तरह से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस मशीनों में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसा कि हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि ये एक नोटबुक बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम जैसा कि देख रहे हैं, ये कवर, ये सबसे स्टार्टिंग हमारा प्रोसेस है ये कवर का। इस कवर का यूज करके, और दूसरा आइटम जो है ये पेपर, इस पेपर का यूज करके हम लोग नोटबुक बनाते हैं। ये दो मटेरियल के साथ में तीसरा जो रॉ मटेरियल होता है ये स्टिचिंग वायर होता है जो स्टिचिंग मशीन में लगा होता है। ये तीनों चीज़ें बना के इस तरह की कॉपी हम बना सकते हैं। ये आपका एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम, अगर आपको इस तरह के पैड्स बनाने हैं, यानी कि स्पाइरल, जैसा कि आप ये देख रहे हो, स्पाइरल कॉपी भी बनानी है, तो वो भी आप हमारे मशीनों से बना सकते हैं। यानी कि जो नोटबुक बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, और उस प्रोसेस को ओनली एक मशीन से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा सेटअप लेके भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एक मशीन से अगर आपको कॉपी बनानी है तो ओनली आप स्पाइरल की कॉपी बना के और मार्केट में सेल कर सकते हैं, और वो बिजनेस ओनली आपको 25,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये छोटा सा मशीन है, स्पाइरल मशीन है ये, ओनली इसको चलाने के लिए कुछ भी नहीं, बस पैर को दबाना होता है, और ये मशीन आपको आराम से चलती है। यानी कि ओनली 25,000 रुपया में आप बिजनेस को स्पाइरल वाली कॉपी बना के स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का नोटबुक बनाना है, ये बिल्कुल ऐसा ही नोटबुक अगर आपको बनाना है, तो ओनली 1,20,000 रुपये में नोटबुक मशीन का सेटअप आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, जिसमें हम आपको देंगे कटिंग मशीन, मैनुअल मशीन और डाप प्रेस मशीन। यानी कि ये सामने में है डाप प्रेस मशीन, यानी कि तीन मशीनों का पूरा सेटअप हम आपको ओनली 1,20,000 रुपये में पूरा का पूरा सेटअप देंगे, और इसमें आपका नोटबुक पूरी की पूरी रेडी हो जाती है। अब आते हैं प्रोसेस पे, कि जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, कवर, पेपर और स्टिचिंग वायर। तो सबसे पहले जो होता है कटिंग का काम होता है। कटिंग में जो है कवर को हल्का सा हम लोग जो है इसको प्रोसेस करके इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो प्रोसेस है स्टिचिंग का है, ये पिनअप का काम करता है। जस्ट लाइक स्टेपलर, जैसे आप घर में स्टेपलर का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये स्टिचिंग में पिनअप का काम होगा। जस्ट लाइक ये ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन है और ये मैनुअल स्टिचिंग मशीन है। इन दोनों स्टिचिंग मशीनों से आप जो है स्टिचिंग का काम कर सकते हैं। और स्टिचिंग करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो दो तरह का मशीनों से होता है, या तो अगर आपका बजट कम है तो ये डापरे से कॉपी को फोल्ड करने का काम होता है, और जैसे ही कॉपी फोल्ड हो जाती है तो आपका कॉपी बन के रेडी हो जाता है। और अगर आपको अच्छा शेप चाहिए, कुछ अच्छा क्वालिटी चाहिए, तो जैसा कि आप कॉपी देख रहे हैं, इस कॉपी का जो ये वाला पार्ट है वो इस मशीन से होता है, जिसको हम लोग एज स्क्वायरिंग मशीन बोलते हैं। ये जो सामने में पड़ी हुई है एज स्क्वायरिंग मशीन,
जो सामने में, इस मशीन से आपको ये वाली क्वालिटी आएगी। ये सारे मशीनों का सेटअप जो है हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल होता है, इन स्टॉक है। आप अभी के अभी आप ऑर्डर भी करते हैं तो अभी के अभी हम आपको डिलीवरी भी दे सकते हैं, और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है हमारी, और इंडिया के बाहर भी है। आप इंडिया के अंदर में वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्टली आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उस पे डायरेक्ट कॉल करिए और डायरेक्ट हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और ऑर्डर ओनली 30% पेमेंट करके भी आप दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको मशीन लेनी है तो 30% पेमेंट करके आप अपने पास मशीन मंगा सकते हैं, और मशीन अपने पास आने के बाद हमें हमारा फाइनल पेमेंट आप करके और अपना सेटअप तैयार करके बिजनेस कर सकते हैं। सारा प्रोडक्ट बनने के बाद अगर हम इस बिजनेस को कहाँ पे एक्सप्लेन करें, यानी कि कहाँ पे हम सेल करें, उसके लिए भी हम सारा का सारा आपको मार्केटिंग का नॉलेज भी देते हैं। यानी कि आप एक बार मशीन लेके चले जाते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हमें ये सेल कहाँ करनी है, सेल करने के लिए सारा का सारा सहूलियत भी, कॉपी बेचेंगे कैसे आप और कहाँ पे बेचेंगे, कितने रुपये में बेचेंगे, ये सारा का सारा सहूलियत हमारी कंपनी आपको देती है। इसके अलावा हम आपको रॉ मटेरियल से लेके ए टू जेड सुविधा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी प्रोडक्ट लेनी है तो वहाँ के रॉ मटेरियल का डीलर वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके लोकल में ही आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। यानी मशीन लेने के बाद ये आपको नहीं सोचना है कि हमें मशीन तो ले ली और रॉ मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, ये डायरेक्टली आपको अपने क्षेत्र के अंदर में हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार हमसे आप जुड़िए, आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। हमारा कंपनी का जो एड्रेस है गुलशन पार्क नागलोई दिल्ली 41 है, यानी कि आप डायरेक्टली या तो बस से या तो ट्रेन से या फ्लाइट से कहीं से भी आएंगे डायरेक्टली नागलोई का आपको मेट्रो भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप ऑटो करके आ सकते हैं या आप एक बार कॉल करें, हम आपके लिए आपके पास कैब भी भेज देंगे। इस मशीन को कोई भी चला सकता है, एक बच्चा भी चला सकता है, एक गार्जियन भी चला सकते हैं, या जिनकी एज या महिलाएं भी चला सकती है, जिनकी एज ज़्यादा भी हो गई है वो भी चला सकती है। यानी कि ये मैनुअल भी मशीन होती है, ऑटोमेटिक भी होती है। जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है वो भी इस मशीन को चला सकते हैं, यानी कि मैनुअली भी काम करती है, ऑटोमेटिक भी काम करती है। इसके अलावा इस मशीन को रखने के लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत है, यानी कि 200 से 300 स्क्वायर फीट अगर आपके घर में जगह है तो आप अपने घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी कमाई आपको इतनी है, गारंटी हम देते हैं पर डे की, इसकी प्रोडक्शन जो है 3000 कॉपी मिनिमम है, यानी कि अगर एक कॉपी पे आप 1 रुपया भी कमाते हैं तो 3000 रुपये आपको पर डे की कमाई है, यानी कि महीने के आपके 90000 रुपये कहीं नहीं गए। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो आप इस बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करने के लिए आपको सारी मशीनों का सेटअप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिचिंग ओनली स्टिचिंग मशीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो आप 1-1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं उसके बाद स्टिचिंग मशीन आप 20-25 हज़ार रुपये में लेके और फिर से जो है इस बिजनेस को और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल जितनी कमाई करनी है आप उस मशीनों को बढ़ा के ही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।